क्या हुआ है हमारी लक्ष्मी को? टेंशन मत लीजिए सुमित्रा जी, बल्कि लड्डू बांटिए लड्डू। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी माँ बनने वाली है। आप दोबारा सारा चेक करिए ना उसे। मैंने सारी चेक करके ही बताया कि आपकी लक्ष्मी माँ बनने वाली है। मैंने सारी दवाइयाँ लिख दी है, आप समय पे लेते रहना। मुबारक हो लक्ष्मी, मुबारक हो। लेकिन तुम बड़ी छुपी रुस्तम निकली, इतने दिनों से हमारे साथ रह रही हो लेकिन बताया ही नहीं कि तुम शादीशुदा हो। बताओ कौन है इस बच्चे के पापा? अरे बताओ ना लक्ष्मी, कौन है इस बच्चे के पापा? हाय, मतलब तुम बिना शादी के मां बन गई? जब तक सबको ये बात हम बताएंगे नहीं ना, तब तक हमारा पेट यूं ही दर्द करता रहेगा। कुछ तो करना पड़ेगा, किसको बताएं? ये आकाश का बच्चा है ना, लेकिन कैसे? दीवर हूँ वो इससे। अब रुकिए, मैं काढ़ा बनाकर लेकर आती हूँ। यकीन तो है ना, कहे क्या बेची रखो उनसे, इनका कुछ भी आती है, वो नशे में थे। हमें तो लगा वो दिन हमारी जिंदगी में खुशियों की बरसात ले आएगा, लेकिन अब लग रहा है कि वो दिन हमारी जिंदगी में सिर्फ दुखों का तूफान लेके आने वाला है। नहीं बेटा नहीं, तुम चिंता मत करो, जैसे मील का पत्थर ठस से मस नहीं होता, ऐसे ही हमारा विश्वास तुम पर ठस से मस नहीं होगा। हम जानते हैं कि तुम सच कह रही हो, लेकिन नंद ने हमारे लिए कितनी अफसोस की बात है कि आज हम ढोल नगारा के साथ लोगों को ये नहीं कह सकते कि हम परदादी बनने वाले हैं। हमारे आकाश के घर एक नन्हा सा बालक करने वाला है। अरे अपने मायके वालों की कसम खा के बोल कि तू सच कह रही। दादी हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, कसम से। मेरे ससुआ फिर तो अपनी लॉटरी लग गई। टेकर पे ऐसी लालचन लगाएंगे और ढोल नगाड़ों के साथ उसे घर से निकाल देंगे हम। ये ऐसी लड़की को तो धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। सुनो ना, भूलना मत सुमित्रा चाची को जलील करना, क्योंकि जब तक उनको आप जलील नहीं करेंगे ना, तब तक मुझे खुशी महसूस नहीं होगी। अरे कमिया तू फिकर मत कर, उसको तो जलील भी करेंगे और मुबारकबाद भी देंगे। अलका जल्दी से ढोल नगाड़े लेकर आओ, आज इस घर में खुशियां आई है, खुशियां। सुमित्रा देवी, केले ज्योति रख इसको। किस बात का जश्न मना रहे हो आप लोग? अरे आज इतना बड़ा खुशी का मौका है, हमारा दिल तो कर रहा है पूरे अयोध्या में दही और जलेबी बटवा दे।
सुमित्रा चाची, इतना भी अनजान मत बनिए। हम सबको पता चल गया है कि आपकी ये प्यारी लाडली लक्ष्मी माँ बनने वाली। वैसे तो इस घर में ऐश्वर्या अमेरिका से आई, लेकिन विदेशी विचार तो इस लक्ष्मी के निकले। बिना पति के गर्भवती। क्या, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अरे बुरा मत मान, सही तो बोल रहे हैं हम। ये कैटेकर अपना मुंह काला करवा कर आई है कहीं से। इसके पेट में बिना बाप का एक बच्चा पल रहा है। किसका पाप है वो बच्चा? चुप हो जाइए। ए, वैसे तो बड़ी बकबक करती है तू, अब चुप क्यों खड़ी है? बता कौन है इस बच्चे का बाप? जवाब दो लक्ष्मी, कौन है इस बच्चे का बाप? इस घर का माली, ड्राइवर, नौकर, चौकीदार? अरे बताओ भी कौन है लकी विनर? लक्ष्मी, ये चुप रहने का समय नहीं है। बता दो इन लोगों को कौन है बच्चे का बाप। बता दो। आकाश जी। कैसे हुई मेरे आकाश का नाम लेने की? अपने हाथ पर काबू रखो, क्योंकि आज हमारा दिमाग गर्म है, तोड़ देंगे तुम्हारा हाथ। आप लोगों को सच जाना था ना, तो यही है सच। दादी ये क्या बोल रही हैं आप? ये लड़की आपको कोई कहानी सुना रही है और आप यकीन कर ले रही हैं? अरे एक बार मुझसे तो पूछ लेती। तुमसे क्या पूछते, तुम्हें तो कुछ रात का याद ही नहीं है। कौन सी रात? अरे क्या बोल रहे हैं आप लोग? क्या बोला तुमने दादी को? भगवान के लिए मुझे बदनाम करना बंद करो। नहीं, बदनाम नहीं कर रही हूँ, बस सच बोल रही हूँ। उस दिन शराब के नशे में आप बोल। चुप! एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं। दादी ये झूठ बोल रही है, और आप लोग ख्याली पुलाव बनाना बंद कीजिए। ये लड़की मुझे बदनाम कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो उस रात का कुछ याद भी नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुम जैसे इंसान पे भरोसा करके। अरे तुम तो गद्दारों से भी गिरी हुई निकली, पता नहीं किसका पाप मेरे सर डालने चली थी तुम। शर्म आती है मुझे तुम पे। ए बिटुआ, मैंने तो सॉरी चाल सहली तेरी, लेकिन तूने अगर मेरे आकाश पे झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश की तो कसम है मुझे तेरी जान ले लूंगी मैं। सुमित्रा, हमको तो लगता है तेरी अकल पर पत्थर नहीं बड़े बड़े पहाड़ पड़े हुए हैं। इसीलिए तो एक मामूली सी कैटेकर के लिए वो अपने सगे पोते के साथ लड़ाई बोल रहे हैं। यही पश्चाताप का समय,
हमारी बात मान और निकाल के बाहर फेंक दे इस लड़की को। नहीं, लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी। ये लक्ष्मी का घर है। लक्ष्मी हमारे घर को वारिस दे रही है और वो कहीं नहीं जाएगी, समझे आप? चल कमिया। सबको सच बताने के लिए हमें बच्चे को लेकर इस घर से दूर चले जाते ना, काहे का ऐसा? नहीं बेटा, दूर तू नहीं, दूर तो ऐश्वर्या जाएगी, क्योंकि इस घर पे और आकाश पर सिर्फ तुम्हारा और इस बच्चे का अधिकार है। और हमें पूरा यकीन है कि ये बच्चा तुम्हें और आकाश को एक करने के लिए ही आ रहा है। मेरा यकीन करो ऐश, वो मेरा बच्चा नहीं है। लक्ष्मी मुझे फंसा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि दादी भी उस लक्ष्मी का साथ दे रही है। किसी को मुझ पे विश्वास नहीं है। तुम शांत हो जाओ आकाश, मैं जानती हूँ कि तुम बेकसूर हो। एक्चुअली गलती ना तुम्हारी नहीं है, ये लक्ष्मी जैसी लड़कियां ना होती है ऐसी है। जब इन्हें इनकी औकात से ज्यादा मिल जाता है तो इनके पर निकल आते हैं। सीधी सी बात है आकाश, वो लक्ष्मी चाहती है कि उसके बच्चे को एक अमीर घर मिले, तुम्हारे जैसा अमीर बाप मिले, लेकिन तुम उसके चंगुल में मत फंसना, समझे? लक्ष्मी के चक्कर में मेरा सर फट रहा है। अच्छा तुम ज्यादा मत सोचो, तुम ना थोड़ी देर आराम कर लो। चलो आकाश। वाह, लगता है इस बार तो भगवान मुझ पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अब तो लक्ष्मी को इस घर से निकालना मेरे लिए और भी आसान हो गया है। इससे पहले सुमित्रा दादी और लक्ष्मी मेरे खिलाफ नई चाल चलें, मैं आज रात कुछ ऐसा करूंगी कि आकाश खुद ब खुद उस केयर टेकर को घर से बाहर फेंक देगा। हमारे साथ साथ आप भी बहुत परेशान हो ना, यही सोच रहे होंगे कैसी माँ है मेरी, मुझे मेरे पापा का नाम दिलवा ही नहीं पा रही। कहाँ बच्चे की खबर से सब खुश होते हैं, लेकिन हमारे बच्चे की खबर सुनकर सबने हम पे सिर्फ नानचन लगाया। क्या बताना हमें कि हमारे प्यार का रंग हमारे लिए कलंक होगा। ग्रीज हीरों की आदाश वापस लाने में हमारी मदद कीजिए सीता भैया, मदद कीजिए। मुझे सब याद है लक्ष्मी। हमारे प्यार की निशानी है और मैं इसे अपना नाम जरूर दूंगा।
पापा ने तुम्हारी मम्मी को बहुत रुलाया है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे आने से सब ठीक हो जाएगा। अब रोना बंद करो बिल्कुल। कहाँ लेके जा रही हो इतनी जल्दी में, क्या दिखाना है? सवाल जवाब मत करो, जल्दी चलो। मैंने ना लक्ष्मी के कमरे में किसी आदमी को जाते हुए देखा। क्या? हाँ, कहीं वो उस लक्ष्मी के बच्चे का बाप तो नहीं? मैं नहीं बता सकता। वो बता रहा हूँ। बोल, कौन है तू? मैं रघु, लक्ष्मी का पति। भगवान जी, इस मासूम बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? आप उसको इसका हक दिलाएंगे ना? कोई ऐसे चमत्कार कीजिए ना जिससे अंग्रेजी हीरो को सब याद आ जाए। लक्ष्मी, तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आया, देखना चाहती हूँ। जानती हूँ इसे? नहीं, नहीं जानते हम इसे। कौन है ये आदमी? इतनी कमजोर याददाश्त तो नहीं थी तुम्हारी? कल तुम्हारे कमरे में आया था ये, ऐसे कैसे भूल सकती हो? ध्यान से देखो, देखो। क्या बोल रहे हो आप? हमने कभी नहीं देखा है इसे। लक्ष्मी, अब नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। इन लोगों से अब सच्चाई पता चल गई है कि हम दोनों पति पत्नी और तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा। दादी, आप कल पूछ रही थी ना कि ये लक्ष्मी के पेट में किसका पाप पल रहा है? ये रहा वो आदमी जिसका पाप इसके पेट में पल रहा है, लक्ष्मी के बच्चे का होने वाला बाप। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रही है आदमी। हम नहीं चाहते, सबने कभी नहीं देखा ऐसे, झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? लक्ष्मी, इन लोगों को सब पता चल गया, इन लोगों को। मैं ही इस बच्चे का बाप हूँ और ये बच्चा मेरा, इसलिए लक्ष्मी चलो तो चलते हैं हम लोग। छोड़ो बेटा, एक और थप्पड़ लगा देंगे। दरअसल लक्ष्मी को गुर्बत की जिंदगी नहीं जीनी थी, उसे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी।
इसलिए वो यहाँ सुमित्रा जी का विश्वास जीतने आ गई। लेकिन अब मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए। चलो लक्ष्मी चलते हैं। तुम्हारे साथ हम तो पहले से ही जानते थे ये लड़की गाय नहीं गिरगिट है। गिरगिट एक ना एक दिन अपना रंग जरूर बदलेगी। काश सुमित्रा यहाँ होती, उसे भी इसकी असलियत का पता चलता। और नहीं तो क्या? नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है आकाश जी, हमारा विश्वास कीजिए। सच में हमने कभी नहीं देखा इसे, हम नहीं जानते ये कौन है। छोड़ो, मैं अपने कान नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर तुम इस बच्चे की माँ हो तो रघु भी इस बच्चे का बाप है और इसका पूरा हक बनता है तुम्हें यहाँ से ले जाने का। ले जाओ यहाँ से। नहीं हम कहीं नहीं जा रहे। तू रहो तो मेरे साथ। तुम चलो। खबरदार जो हाथ लगाए तो। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.